बच्चों के समक्ष वो उन समस्याओं को छोड़ना नहीं चाहते, अधूरी नहीं छोड़ना चाहते, वो उस शिक्षा में उनके लिए चाहते हैं। आपके परिवार का, बच्चे का स्वागत करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। अब मैं उस बेटी को आमंत्रित करता हूँ, कुमारी स्वाति चौधरी। इस बेटी को मंच पर स्थान प्रदान करते हुए हम सब स्वागत करते हैं। इस बिटिया की माताजी श्रीमती प्रतिनिधि के रूप में उनके पति भाई संजय महला जी, जो कि असंध विधानसभा क्षेत्र में संभावित भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, वो हमारे बीच में उसी जगह में पहुँच रहे हैं। चौधरी साधुराम है। इस बिटिया की बहन, बड़ी बहन श्रीमती श्वेता चौधरी बहुत ही उनका स्वागत करें। कुमार सैनी जी, दादा जी को अपनी ओर से जिंदगी में चार सौ है आज से, हर खुशी को याद रखो, गम को भुलाना सीख लो। जय हिंद। सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और सम्मान के लायक समझा। उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि हम एक इस देश के नागरिक हैं और उस देश ने बहुत कुछ दिया है और इस देश से ही हम हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 14 फरवरी को जो हमारे कुछ जवान जो शहीद हुए एक कायरतापूर्ण आतंकी घटना में, जो लोग शहादत जिन लोगों ने दी, हम कुछ समय के लिए उन्हें याद करें, नमन करें और उन जवानों को सलाम जिन्होंने उस घटना का, उस आतंकी घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया। समस्या इस बात से है कि ये खेत निश्चित क्यों किए गए हैं लड़कियों के लिए, जब लड़कों के लिए निश्चित नहीं है तो जैसे हम लड़कों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, इस फील्ड में आप जाना चाहते हो आप जाओ, ऐसे मौका लड़कियों को भी दिया जाए उनकी रुचि के अनुसार। पुलिस डिपार्टमेंट को भी के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है जो मुझे हमेशा मुझे लगता था और मेरा डिवाइस भी बनने का रीज़न भी यही था, मुझे ये लगा कि जब तक हम उन समस्याओं से रूबरू नहीं होंगे, उन समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, तो उनसे लड़ना कब सीखेंगे। अगर हम कुछ निश्चित दायरे में बन के रह गए तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। कि आप SDM क्यों नहीं बनना चाहते, DYSP क्यों बनना चाहते हो, तो मैंने कहा सर मुझे लगता है कि SDM एक बहुत अच्छा पद है, अच्छी पोस्ट है, लेकिन पुलिस जो होती है जनता की अपेक्षा का पहला केंद्र बिंदु पुलिस होती है। उन्हें जब भी कोई समस्याएं होती है तो वो पुलिस के पास जाना पसंद करते हैं, उन्हें पुलिस से उम्मीद होती है। तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी सोच उन पर ना थोपे, उन्हें मौका दें उन्हें सोचने का, समझने का कि उनके लिए क्या कार्य क्षेत्र सही रहेगा, उनकी रुचि किस क्षेत्र में है। रही मेरे संघर्ष की बात, फिर सफलता की बात, संघर्ष तो बहुत रहा लेकिन ऐसा नहीं कि संघर्ष मेरा अकेले रहा, मेरे परिवार का संघर्ष मुझसे ज़्यादा था। मेरा तो पढ़ाई तक सीमित था, मुझे पढ़ाई तक सोचना था, उसके आगे मेरे परिवार को सोचना था, तो ये संघर्ष मेरा कम और मेरे परिवार का ज़्यादा रहा। और शायद नहीं कर पाऊंगी, मुझे प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए। मैंने उससे बात की, लक्ष्य भाई मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, नहीं हो पा रहा है, साथ में ट्राई कर लूँगी। उसने बोला दीदी आपसे और मुझसे पापा को बहुत उम्मीदें हैं, आप हिम्मत मत तोड़ो, बहुत उम्मीदें, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। मुझे खुशी हुई कि मैं तो इतनी बड़ी हूँ, इतना छोटा होकर से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि पापा को आपसे भी और मुझसे भी बहुत उम्मीदें हैं, उनकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना है। सफलता में बच्चों के साथ सब होते हैं, पूरा समाज मेरे साथ है, लेकिन मेरी असफलता में, मेरी निराशा में, मेरे हताश जब मैं होती थी तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सिर्फ वो मेरे साथ थे और परिवार का सहयोग रहा। लेकिन और ये निश्चित है कि आप अपने बच्चों पर विश्वास करेंगे, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, ये एक सच्ची बात है। जहाँ हम धोखा खाते हैं वो वहीं खाते हैं जब अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें बोलते कि हमने तुझे सब कुछ दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, रात तूने मुझे निराश कर दिया। अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया है, हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है जो मेरे तरह मतलब मेरे जैसे कुछ और लोग हैं, वो लोग सब साथ में आए और इस मंच के माध्यम से उन लोगों को मार्गदर्शन दें। कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं और अगर हमारे कार्य क्षेत्र के दायरे में है तो वो भी उन्हें उपलब्ध कराएं। भाई श्री संजय महला जी, अपनी ओर से इस परिवार को गौरव का पल है, हम सभी ने तो जो कुछ पीछे घटा वो भूल जाएंगे। आप सब लोगों का उत्साह,
और उनके पिताजी माताजी पिताजी साधु राम जी का भी मैं बहुत बहुत उनको भी इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ। के सम्मान में जो कार्यक्रम हो रहा है उनके लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और पिछले 10 वर्षों से हम ये प्रतिभा सम्मान समारोह में करीब 750 बच्चों को हम सम्मान समारोह में पुरस्कृत कर चुके हैं। मेरा इतना